जो क्लास वर्क था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000 दिया है, जो कि 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। यूजुअली वर्क्स ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस दिया रहता है, बट यहां पे उल्टा है, डायरेक्ट वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स रॉ मेटेरियल WIP फिनिश गुड्स सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स। आप लोग बैक कैलकुलेशन का कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं, राइट? कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज सेल्स 150 है, पूरा बैक जाएंगे। लेस प्रॉफिट तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 1,17,000, तो प्रॉफिट 33 है। बैलेंसिंग फिगर लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस, ओपनिंग वाला माइनस, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग 38, ओपनिंग 35,200, कितना आ रहा है? 112,800। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट 1,078,000, ठीक है, पूरा बैक आएंगे एकदम। क्लोजिंग WIP माइनस ओपनिंग WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड। सो क्लोजिंग WIP कितना है? 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, तो 35,000
डिवाइडेड बाय 175%, बोलो। तो प्राइम कॉस्ट कितना आया? 95, कितना? 95800 लेस डायरेक्ट वेजेस 35, तो मेरा आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 6800। अब इसमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग कितना है और ओपनिंग? रॉ मटेरियल परचेज 66, डन। ये तो क्लास वर्क था, अभी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है एग्जाम में आ जाइए, सो बी विथ अस। हाँ क्या पढ़े काट ठीक है। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड। नंबर 9, रीड करिए। आइए ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल्स टू सोल्ड। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? 500। प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, 750 टन ये है और सोल्ड है 2250 टन, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है। तो एक्स आएगा है ना, 2500 टन मेरा प्रोडक्शन है।
2500 टन मेरा प्रोडक्शन है भाई, समझा भाई, समझो मामा। क्या? हाँ आई एम देयर इन नेशनल टीवी, सो व्हाट? देख लीजिए अच्छे से, कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं निकाल सकते यहां पे, क्योंकि परचेज नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस हबड़ा क्यों रहे हो इतना? हाँ डायरेक्ट वेजेस कैसे आएगा करो, साठ वर्कर लोग 50 करके 250 दिन, बीस वर्कर लोग 30 करके 250 दिन, डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? फोर्टी फोर लाख फिफ्टी, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 35,50,000, 60 वर्कर को 250 दिन का 50 करके और 20 वर्कर को 250 दिन का 30 रुपया करके,
तो मेरा 9 लाख वेजेस है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, आ गया, ठीक है। एड प्रोडक्शन ओवरहेड, यहां वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड का, सब चित्रा के दिया हुआ है, आई मीन स्कैटर्ड मैनर इंग्लिश में बोले तो स्कैटर्ड। फ्रेट पेड तो डायरेक्ट मेटल कंज्यूम में ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है? हाँ बेटा 40,000 और मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी यहाँ नहीं आएगा, ऑफिस रेंट नहीं आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फ्यूल, सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कितना आ रहा है ये? 1,70,000 नहीं नहीं फैक्ट्री में मशीन के टाइम में लग रहा है फ्यूल, ओपनिंग डब्ल्यू पे है थोड़ी, इज इट फाइन? डब्ल्यू आई पी एडजस्टमेंट नहीं है, वी आर गेटिंग वर्क्स कॉस्ट, कितना आ रहा है? 46,20,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सैलरी ऑफ एमडी कितना है? मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी 50,000 और ऑफिस रेंट 1,50,000 आएगा, ये दो चीजें आएगा, ₹47,00,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दे दिया है, 8,00,000 55,00,000 फीफो बोला है ना, तो हम तुम लोग को पढ़ाया है फीफो में जब भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो प्रोडक्शन से बचता है, ओपनिंग वाला बिक गया है, यस और नो? लॉट ओपनिंग फिनिश गुड्स प्रोडक्शन यूनिट
ओपनिंग कितना है 500, प्रोडक्शन 2500, सोल्ड ये वाला पूरा 500 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टोटल 2250 बिका है। तो 2250 में ये 500 है तो यहां से 1750, पहले ऊपर वाला लॉट बिकेगा उसके बाद नीचे वाला से बेचेंगे। तो यहां से क्लोजिंग नहीं है, जो भी बचा 750 यहां से बचा हुआ है प्रोडक्शन वाले से। तो 47,70,000 अगर 2500 का है तो 750 का कितना होगा, प्रोडक्शन से बचा है ना। तो सी ओ जी एस कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट हटा दें। एडवर्टाइजमेंट कितना है, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग एक्सपेंसेस 8599898, कितना है 10,00,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 51, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोला है तो 25% ऑन कॉस्ट होगा। कितना आ रहा है इसका 25%, बोलो 1 to 9, 4, 8. सेल्स बोलो 64, नोट
डोनेशन एंड इनकम टैक्स इज प्योरली फाइनेंशियल आइटम. पंगा चला दो. ये प्योरली एक फाइनेंशियल आइटम है, इसलिए यहां पे नहीं आया कॉस्ट में.